आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमने ली है 2 कटोरी बेसन। ये बेसन थोड़ा दरदरा पिसा हुआ है, एकदम महीन पिसा हुआ बेसन नहीं लेना है। 1/2 कटोरी देसी घी, 1 कटोरी पिसी हुई शक्कर, 1/2 छोटा चम्मच इलायची कुटी हुई, 8-10 काजू बारीक कटे हुए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन कर लेते हैं। कढ़ाई में घी डालेंगे। घी को ज्यादा गर्म नहीं करना है, बस घी पिघल जाए इतना ही। देखिए घी पिघल गया है, अब हम इसमें ये बेसन डाल देते हैं। घी को गर्म नहीं करना है, अगर घी गर्म रहेगा तो बेसन डालते ही जलने लग जाएगा। और अब हम इसे भूनेंगे। बेसन को हमें 20 से 25 मिनट तक भूनना है स्लो फ्लेम पे। ये देखिए हमने 25 मिनट इसे स्लो फ्लेम पर भूना है, लगातार चलाते हुए, इसे छोड़ना नहीं है। और बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। जितना ज्यादा हम बेसन को भूनते हैं बेसन के लड्डू उतने ही अच्छे बनते हैं। हमने 25 मिनट इसे स्लो फ्लेम पर भून लिया है, गैस ऑफ कर देंगे और इसे हम एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। देखिए हमने प्लेट में निकालकर इसे ठंडा कर लिया था, ये ठंडा हो गया है। अब हम इसमें ये शक्कर डालेंगे। इलायची और काजू, ड्राई फ्रूट ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें ना चाहें तो ना डालें, और जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए हमने अच्छी तरह से इसमें शक्कर मिला ली है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। ये देखिए इस तरह हम सारे लड्डू बना लेते हैं। देखिए हमने सभी लड्डू बना लिए हैं, अब ये बेसन के लड्डू बनकर तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।